हम और आप, पूरा प्राणी जगत, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, पूरा सौरमंडल, पूरे तारे, पूरे ग्रह, पूरा ब्रह्मांड, ये जिस चीज से बना है वो चीज आई कहां से, किस तरीके से निर्माण हुआ इन सभी चीजों का, और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं क्या उसके पीछे कोई ठोस आधार है? क्योंकि अब तक जो कल्पना की जा रही थी मैटर के बारे में, जिससे हर चीज बनी हुई है, वो सिद्धांत अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो नई खोज की है उसमें बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, और उसे ये साबित हो रहा है कि ये मैटर आया कहां से और किस तरीके से पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, जो नया रिसर्च सामने आया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये मैटर आया कहां से। क्योंकि हमेशा इस बात की कल्पना की जाती है कि जहां मैटर है वहां एंटी मैटर भी होगा, और जब मैटर और एंटी मैटर के बीच में घर्षण होता है, टकराव होता है, तो इस टक्कर से ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये भी सिद्धांत था, ये भी परिकल्पना थी कि जितनी मात्रा में मैटर है उतनी ही मात्रा में एंटी मैटर मौजूद होता है। तो जब दोनों समान मात्रा में मौजूद है, दोनों में टक्कर होती है, वहां से ऊर्जा का निर्माण होता है, तो फिर जिस चीज से पूरी दुनिया बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है, वो मैटर कहां से आया? तो ये अपने आप में बहुत अनसुलझा रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। तो इसी के बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी नई शोध में कुछ जानकारी दी है। इस चीज को समझने के लिए हमें 13 अरब 70 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैटर की उत्पत्ति की बात सामने नजर आएगी। तो जब हम 13 अरब 70 करोड़ साल पीछे जाएंगे तो वहां पर हमें दिखेगा बिग बैंग, और इसी बिग बैंग में सभी रहस्य छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब ये बिग बैंग हुआ तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से अस्तित्व में आया था, लेकिन इस बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। इस अवस्था में पदार्थ और एंटी मैटर बराबर मात्रा में मौजूद थे, यानी मैटर और एंटी मैटर के बीच में बैलेंस था, दोनों लगभग समान थे। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो फिर जो मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में थे और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे, तो फिर ये मैटर जिससे सब कुछ बना है वो कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि इसे भी तो नष्ट हो जाना चाहिए था। यहां पर वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल उठता है। अगर मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में थे तो फिर ब्रह्मांड में ये मैटर कैसे बचा रहा? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। तो पहले सिद्धांत की बात कर लेते हैं, यह है सीपी वायोलेशन। अगर सीपी वायोलेशन के बारे में समझना है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीपी का मतलब क्या होता है। इस सीपी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री एंड पैरिटी सिमेट्री, और इसी के वायोलेशन की बात की जा रही है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ और एंटी मैटर के बीच एक मामूली असंतुलन रहा होगा जिसे सीपी वायोलेशन कहते हैं। यह असंतुलन मैटर को एंटी मैटर की तुलना में थोड़ा अधिक स्थिर बनाता है। जी हां, यानी कि हम जो पहले सिद्धांत की बात कर रहे थे कि जब बिग बैंग हुआ होगा तो मैटर और एंटी मैटर बराबर की मात्रा में बने होंगे, उसका निर्माण हुआ होगा,
लेकिन ये सीपी वायलेशन ऐसा दावा करता है कि जब बिग बैंग हुआ होगा तो उसी वक्त डिसबैलेंस रहा होगा और एंटी मैटर की तुलना में मैटर थोड़ा ज़्यादा बना होगा, थोड़ा ज़्यादा निर्माण हुआ होगा। तो ये है सीपी वायलेशन। अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है बड़े एकीकरण सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के आरंभ में सभी मौलिक बल एक ही थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये बल अलग अलग हुए और इस प्रक्रिया में पदार्थ और एंटी मैटर के बीच असंतुलन पैदा हुआ। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से वैज्ञानिक ये साबित करना चाहते हैं कि सारा खेल जो है ये शुरुआत के फोर्स के कारण हुआ। यानी कि ये फोर्स ने जिस तरीके से दोनों पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया, मैटर और एंटी मैटर को, उसके बीच जो फोर्स डेवलप किया उसके कारण ही डिसबैलेंस पैदा हुआ और मैटर का निर्माण ज़्यादा हुआ। इसके अलावा जो कुछ और सिद्धांत हैं उसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 से अधिक डायमेंशन हो सकते हैं और ये जो अतिरिक्त डायमेंशन है उसका प्रभाव पदार्थ और एंटी मैटर के व्यवहार पर पड़ सकता है। यानी जो एडिशनल डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस के अलावा जो 4th डायमेंशन की बात होती है, 5th डायमेंशन की बात होती है, तो उसके कारण भी इन दोनों पर असर आया और दोनों डिसबैलेंस हुए और जो मैटर है वो ज़्यादा हो गया, यानी पदार्थ ज़्यादा हो गया और उससे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये एक और सिद्धांत है। अब अगर नए पार्टिकल्स की बात कर लें, नए कण की बात कर लें, तो उसके बारे में वैज्ञानिक ये बताते हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कण हो जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते और ये कण पदार्थ और एंटी मैटर के बीच असंतुलन पैदा करने में भूमिका निभाते हों। यानी यहाँ पर आप गॉड्स पार्टिकल की बात कर सकते हैं, हिग्स बोसोन की बात कर सकते हैं, यानी ये जो नए कण हैं। अगर हम टॉप क्वार्क की बात कर लें या फिर हम हिग्स बोसोन की बात कर लें, गॉड्स पार्टिकल्स की बात कर लें, तो उसी के बारे में वैज्ञानिकों ने इशारा किया है कि वो तमाम कण जिसको हम अभी देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद है, तो उन कणों के कारण भी हो सकता है कि मैटर और एंटी मैटर के बीच में डिसबैलेंस हुआ हो और उसके बाद इस तरीके से मैटर का निर्माण ज़्यादा हुआ हो, ताकि जो एंटी मैटर और मैटर के बीच में टकराव हुआ हो उसके अलावा भी बड़ी मात्रा में मैटर बच गया होगा, क्योंकि दोनों के बीच में असंतुलन इन नए पार्टिकल्स के कारण आ चुका था। तो ये एक और सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों ने दिया है। और अपने इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने लार्ज हेड्रन कोलाइडर जैसी मशीन का निर्माण किया। आपको बता दें कि ये सर्न प्रयोग कर रहा है लार्ज हेड्रन कोलाइडर का, जिसमें 2 बहुत ही उच्च गति से प्रोटॉन बीम को आपस में टकराया जा रहा है और इसको टकराने के लिए 27 किलोमीटर का एक टनल बनाया गया है जो कि भूमिगत है। वहाँ पर ही हाई स्पीड में प्रोटॉन बीम को टकराया जा रहा है, जिस टक्कर से वैज्ञानिकों का दावा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हिग्स बोसोन का निर्माण हो रहा है, टॉप क्वार्क का निर्माण हो रहा है। और वो किस तरीके से अपनी जो गुणवत्ता है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दर्शाता है, उसको समझने के लिए वैज्ञानिक इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर की मदद से जो डाटा मिल रहा है उसकी एनालिसिस करने में जुटे हुए हैं। और वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्दी ही वो इस रहस्य पर से पर्दा उठा देंगे, यानी कि वो ये साबित कर देंगे कि जो कण, जो नए पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ मौजूद हैं और उनका इस जो मैटर के निर्माण में क्या भूमिका है, उस रहस्य पर से भी पर्दा जल्दी ही उठ जाएगा इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर की मदद से। इसके अलावा इस गुत्थी को समझने के लिए वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बारीकी से जांच करने के बाद ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से
पर्दा उठ जाएगा और हमें ये समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड के शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर के बीच जो असंतुलन था, जो उसके संकेत मिले थे, वो किस तरह के संकेत थे। तो इसके बारे में जानने के लिए ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करने वाले हैं वैज्ञानिक, उसका निरीक्षण करने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB एक तरह का प्रकाश होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ये तरंगे ब्रह्मांड की शुरुआत के समय के संकेत होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर फैली है और इनके अध्ययन से ब्रह्मांड के शुरू के समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसलिए वैज्ञानिक CMB पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही उन्हें इस रहस्य को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि यही वो प्रकाश का स्रोत है जो हमें शुरुआत के कणों के बारे में, मैटर के बारे में और एंटी मैटर के बारे में बहुत सी बातें बता सकता है। और अब हाल ही में हुई एक नई खोज ने इस रहस्य को सुलझाने में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। इस खोज के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई होगी जिसके कारण पदार्थ की मात्रा एंटी मैटर की मात्रा से थोड़ी अधिक हो गई होगी। इस अतिरिक्त पदार्थ ने ही बाद में तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। अब सवाल ये उठता है कि ये खोज इतना अहम क्यों है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के बारे में बेहतर समझने में मदद करती है। ये हमें ये जानने में मदद करती है कि हम कैसे अस्तित्व में आए। अब इस खुलासे के बाद एक बात तो बिल्कुल जाहिर हो गई, ये साबित हो गई कि जरूर ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसके कारण ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान ही मैटर और एंटी मैटर के बीच जो बैलेंस था वो खत्म हो गया होगा और एंटी मैटर की तुलना में मैटर ज़्यादा बड़ी मात्रा में तैयार हुआ, और इसके तैयार होने के कारण जो तमाम ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तारे बने, खगोलीय पिंड बने, वो इसी मैटर से बने। या हो सकता है कि मैटर और एंटी मैटर के बीच बैलेंस हो, लेकिन उसकी आपस में जो टक्कर की बात की जाती है, जो नष्ट होने की बात की जाती है, जो ऊर्जा बनने की बात की जाती है, वहाँ पे कुछ डिसबैलेंस हुआ हो और कुछ पदार्थ, जो कुछ मैटर हैं, वो खुले ब्रह्मांड में घूमते रहे हों और धीरे धीरे ये ठंडे होने के बाद तमाम जो ब्रह्मांड में जो मौजूद खगोलीय पिंड हैं उसके निर्माण में इसने भूमिका निभाई हो, साथ ही इसने भूमिका निभाई हो हर प्राणी के निर्माण में, हमारे और आपके निर्माण में, जो पूरा प्राणी जगत है उसके निर्माण में यही मैटर है जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई होगी। तो अब वैज्ञानिक आगे कुछ और शोध करना चाह रहे हैं जिसके आधार पर ये उन प्रक्रियाओं तक पहुंच सकें जिसके कारण इस मैटर का निर्माण हुआ, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत के दौरान जो प्रक्रियाएं हुई उस तक पहुंचने की कोशिश में ये वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।